टॉप टू मेरे साफ हैं, टॉप टू मेरे हैं इंडिया और इंग्लैंड। मैं समझता हूं 19 नवंबर को नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में लगान 2.0 होने वाला है। ये मुझे लगता है होने वाला है, क्योंकि ये बेस्ट टू टीम्स है। देखिए इंग्लैंड की टीम बहुत मजबूत है, जैसे आपने बैटिंग की बात की, उनके पास आदिल रशीद बहुत अच्छे स्पिनर है, थोड़ा सेकेंड स्पिनर का सवाल उठ सकता है, मोइन अली इज नॉट द सेम आई थिंक दैट ही वाज, उसको आप 7-8 रन आराम से उसके ओवर्स में निकाल सकते हैं, लेकिन जो उनकी बैटिंग है वो कोई भी टोटल चेस कर सकती है, और इनके बैट्समैन बटलर वगैरह जो है वो इंडियन विकेट्स पर बहुत अच्छा खेलते हैं। तो इंग्लैंड एंड इंडिया आर माई टॉप टू टीम्स। उसके बाद निखिल से मैं सहमत हूं, न्यूजीलैंड इज अ वेरी गुड टीम। उनके पास दो जो खासियत जो निखिल ने कहा, और मैं समझता हूं बेटर देन सैटनर इज ईश सोदी। अगर मैं किसी क्रिकेटर को आउटसाइडर मानूं जो विकेट्स लेगा वो है सोदी। सोदी इज अ बिगर विकेट टेकर देन सैटनर, और बड़ी अच्छी बॉलिंग डाल रहा है। जो कुलदीप यादव जिस तरह से डाल रहा है, इंप्रूवमेंट मैंने ईश सोदी में देखी है। आप उसकी लाइन और लेंथ देखिए, हिज वेरिएशन, मैं उसको इंग्लैंड में भी देख रहा था ड्यूरिंग दैट T10, वो बड़ी अच्छी बॉलिंग डाल रहा है। तो मुझे लगता है न्यूजीलैंड मेरी तीसरी टीम है। ऑस्ट्रेलिया पर मुझे थोड़ा डाउट है, क्योंकि उनके जब अगर ट्रेविस हेड वापस नहीं आ पाए, उनके पास उस तरह का अटैकिंग बैट्समैन, केवल डेविड वार्नर इज नॉट द डेविड वार्नर ऑफ 5 years ago, तो ट्रेविस हेड की उनको बहुत जरूरत पड़ेगी। और उनका सबसे बड़ी दिक्कत है उनके पास स्पिनर जो है जैम्पा, हाँ विकेट्स लेता है, अच्छा रिकॉर्ड है, लेकिन आपने देखा होगा साउथ अफ्रीका में एक मैच में उन्होंने 113 रन अभी दिए। ही इज नॉट द ग्रेटेस्ट स्पिनर इन द वर्ल्ड, एंड विदाउट अ गुड स्पिन अटैक इन इंडिया आई डोंट थिंक यू कैन विन अ वर्ल्ड कप। तो अगर वर्ल्ड कप जीतना है तो आई वुड नॉट पुट ऑल माई मनी ऑन ऑस्ट्रेलिया इवन रीचिंग द सेमीफाइनल्स। दे मे सो माई डार्क हॉर्स, और हर वर्ल्ड कप में एक डार्क हॉर्स होता है, और मेरे लिए ये सिंड्रेला टीम है, मैं चाहता हूं वो अच्छा करे, वो है साउथ अफ्रीका। यस पाकिस्तान इज अ गुड टीम, बट पाकिस्तान विदाउट नसीम शाह, उनका जो अटैक है उस पर मुझे बहुत डाउट है। उनका भी जो टॉप स्पिनर है शादाब, वो टू मेनी रन देता है फॉर अ टॉप क्लास स्पिनर। तो आई वुड गो विद साउथ अफ्रीका एज माई डार्क हॉर्स, क्योंकि यार समय आ गया है, बहुत उन्होंने झेल लिया वर्ल्ड कप में, कई वर्ल्ड कप्स हुए जो वो बहुत करीब थे फिर भी जीत नहीं पाए। आई लाइक द लुक्स, दे प्ले स्पिन वेल नाउ, उनके पास भी वही कमी है केशव महाराज के अलावा। वेल शमशी इज नॉट, यू नो समटाइम्स व्हेन ही इज गुड बट नॉट द ग्रेटेस्ट, बट वो मेरे दिल से मैं कह रहा हूं, अगर मैं दिमाग से कहता तो मैं और निखिल मुझे लगता है एक पेज पे हैं, इंडिया इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड विद एन इंडिया इंग्लैंड फाइनल एट नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और उसके बाद आप देखिएगा कौन जीतता है वो बात अलग है, दैट इज ऑन द डे। आई वुड ऑल्सो लाइक टू से एक आखिरी बात, अफगानिस्तान एक दो मैच जीत लेना तो मजा आएगा। यू नो कोई ना कोई टीम को आप देखिएगा, एक या दो बड़े टीम को अफगानिस्तान अपसेट करेगा, that I have no doubt that Afghanistan will go out of this World Cup after having beaten one or two very or one of these four big teams. ये चार टीमों में से एक को अफगानिस्तान हराएगा। So you know, except Netherlands, and that's the joy of this World Cup, except Netherlands, बाकी नौ टीम अपने दिन में किसी को भी हरा सकती है। और क्रिकेट बड़ा, you know, you've just come from a World Cup where 2019 में क्या था वो boundary count rule पे आप टूर्नामेंट जितवाते हैं यार। 1975-79 टूर्नामेंट के शुरुआत में यू न्यू वेस्ट इंडीज वुड विन, 83 में भी ऐसा लगा था, बट इट वाज द अल्टीमेट सिंड्रेला अंडरडॉग स्टोरी आप कहेंगे। उसके बाद 3-4 वर्ल्ड कप्स ऐसे हुए जहां यू आर नॉट क्लियर फेवरेट कौन है। 99 और 2011 में क्लियर था कि ऑस्ट्रेलिया वॉज द टॉप टीम, 2011 में भी क्लियर था कि इंडिया वॉज द बेस्ट टीम, 2015 में रिलेटिवली क्लियर था, मैं कहूंगा साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया वर द बेस्ट टू, ऑस्ट्रेलिया जीत गई। 2019 में यू कुड आर्ग्यू दैट यू नो इट वाज इंग्लैंड हु वाज प्रोबेबली बेटर देन द रेस्ट इन इंग्लिश कंडीशन। 2023 का वर्ल्ड कप बहुत ओपन है, ये जो चार टीमें हैं, पांच टीमें हैं, इनमें से कोई भी जीत सकता है। यू नो आई पाकिस्तान आई यू नो आई वुड लाइक, मेरे बहुत पाकिस्तानी दोस्त मुझे कहते हैं यू आर नॉट गिविंग अस you know the same, but they are too dependent on Babar in batting and too dependent on Shaheen Shah in bowling. Aap do cricketer par tournament nahi jeet sakte, unke paas wo 11 nahi hai jo, par
इंडिया के सामने मैच होगा उनका, आप जानिए, द सेम प्लेयर्स अगेंस्ट इंडिया विल रेज देयर परफॉर्मेंस, सो दैट एंड दैट अहमदाबाद विकेट, एनीथिंग कैन हैपन बॉस।